हाय गाइस, तो आज हम कंटिन्यू करते हैं पर्सनालिटी न्यूज़। या आप देख रहे हो छत्रपति संभाजी, इनके नाम पे औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट का नाम पड़ा है। एंड ये कौन थे? ये शिवाजी के एल्डेस्ट सन थे, सेकंड रूलर थे मराठा एम्पायर के। इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं ब्रज लैंग्वेज में, जैसे कि नायिकाबाद, नाक्षिका, सतशतक। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं राजा सरफोजी सेकंड। ये जो थे ये भोसले डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। एंड इन छत्रपति शिवाजी के जो हाफ ब्रदर थे, मतलब सौतेले भाई थे, उनका नाम था वेनकोजी। उन्होंने थांजावर मराठा डायनेस्टी को फाउंड किया था। इन्होंने धन्वंतरी महल बनवाया था जहाँ पर सब पेशेंट्स का ध्यान रखा जाता था। एंड इन्होंने सारा भिंद्रा वेद्या सिस्टम को भी कंपाइल किया था, वुमेन एजुकेशन को प्रमोट किया था एंड जूलॉजिकल गार्डन स्टार्ट किया था तमिलनाडु में। ये है हमारे गोपाल गणेश अगारकर, इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था, वुमेन राइट्स के लिए काम किया था एंड तिलक की जो केसरी थी उसको एडिटर किया था, एडिटर थे उसके, सुधारक भी इनका ही था। नेक्स्ट है आचार्य प्रफुल्ला चंद्रा राय, ये फादर हैं इंडियन केमिस्ट्री के। इन्होंने स्टेबल कंपाउंड मर्क्यूरस नाइट्रेट को डिस्कवर किया था, बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क लिमिटेड को एस्टैब्लिश किया था। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री इन्होंने लिखी थी, मेटलर्जी की नॉलेज दी थी लोगों को एंड कास्ट सिस्टम के सपोर्ट में ये नहीं थे कभी भी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे बहुत स्टडी की थी। नेक्स्ट है हमारे कामराज तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने सॉल्ट मार्च क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। However, इन्होंने बाद में अपने आप को उस प्लान से, कांग्रेस से रिजाइन करके खुद के लिए काम करा, नेशन के लिए काम करा, कंपलसरी एजुकेशन के लिए काम करा था। नेक्स्ट आते हैं हमारे स्वामी अथ आत्मा शतानंदा, ये जो है वो रामकृष्ण मठ के एक प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट आते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ये 11th प्रेसिडेंट थे इंडिया के। 2002 में इन्होंने इसरो का पोलर सेटेलाइट लॉन्च कराया था, पहला इंडिजीनियस SLV इन्होंने बनवाया था। इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं, इन्होंने अग्नि और पृथ्वी का डेवलपमेंट में हेल्प किया था एंड पोखरण में भी इनका बहुत बड़ा काम था। लास्ट है हमारा डलाई लामा जो है, इनको माना जाता है कि ये अवलोकितेश्वरा के एक वो है, री इनकारनेशन है। इन्होंने बुद्धिज्म ट्रेडिशन को अपनाया था जो कि गेलकुबा बोलते हैं जिसको, एंड इन्होंने नोबेल प्राइज भी जीता था, पीस प्राइज। आज के लिए इतना ही, वंदे मातरम, जय हिंद।